सिंगल रूम में यहाँ से एंट्री है और ये किसी और का है, आई एम जस्ट कवरिंग। लॉक नहीं, वो है, प्रदीप तो भैया रेस्ट कर रहे हैं, हम बाहर ही है। और सबसे जो जो की है कि आध्या, डोंट डू दिस। यहाँ से एंट्री करेंगे, कैमरा चेंज कर लेते हैं। पर पर्सन वाइज है यहाँ पे। एंड हम लोग अभी ट्रेजर ढूंढ रहे हैं और हमें 4 मेटल मिले हैं, 5 गोल्ड मिले हैं और 10 डायमंड मिले और हैं। ये सब एडिट हो जाएगा, मैं क्रॉप कर दूंगी, कट कर दूंगी। खाना आपको बिल्कुल कस्टमाइज, मतलब लंच में शू आज कम करो यार, थोड़ा बात कर रही हूँ। हम लोग अभी हैप्पी होम होटल नैनीताल से निकले हैं, बहुत हैप्पी होके, बहुत हैप्पी होके अभी हम लोग पानकोट जा रहे हैं, वहाँ रहेंगे और बहुत भूख लगी है, खाना खाना है, कई रास्ते पे खाना खा लेंगे, ठीक है। और फिर हम परसों पहुँच जाएंगे, कल पहुँच जाएंगे आनंद कुंज, फिर वहाँ जाके पानी भरेंगे। पापा ने जो बोला वो सब कुछ सही है और हम लोग अभी जा रहे पानकोट में, जो आपको पता है, और हम अभी आद्या के साथ जाएंगे और आद्या को भी कुछ बोल रहे हैं, जो भी बोलने आद्या बोल सकते हो। आई एम बिजी ऑन ईटिंग। हम लोग जा रहे हैं पानकोट, और पानकोट में आज का दिन है और कल निकलेंगे वापस दिल्ली। पानकोट में जाके हमें पान खाना है वहाँ, स्पेशल ट्रिप है पान। और अगर उसके साथ गोट भी रिलैक्स करने जा रहे अच्छा हैं, जो हमारे साथ एक है उनको सिर्फ रिलैक्स करना था, तो आई थिंक आज वाला दिन उनके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। मेहनत नहीं करेंगे, रिलैक्स करेंगे, खाएंगे चिप्स और चॉकलेट मिक्स पकोड़े, अभी फिर खाएंगे, ये रहेगा तो हम लोग ही खाएंगे। तो फिर हम लोग अभी भूखे बच्चे हैं, जो कि एक छोटे से बच्चे हैं जो 24 घंटे भूखे रहते हैं। मैं क्लास में पढ़ता हूँ, बच्चे स्कूल में पढ़ती है, और हम लोग अभी काफी ऊपर चढ़ेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अकॉर्न रिजॉर्ट पानकोट, और इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, और हम अभी यहाँ पे हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया है। मैं अभी ये व्यू आपको पूरा दिखाऊंगी कि हाउ इज़ इट, और सबसे जो जो सबसे बेस्ट जो मिला हमें यहाँ पे, ये कौन सा रॉटवाइलर है, तो पिटबुल का एक पपी है यहाँ पे, एक सेकेंड में दिखाती हूँ। पिटबुल है बाबा, दिखा इधर शक्ल, दिखा इसके, सिम्बा शेरू, दांत तेज है मैंने देखा, धूप में ले आओ जरा, यहाँ आने के बाद रूम में बैठने का ही नहीं मन कर रहा है, हम लोग बाहर ही घूमे जा रहे हैं। तो अभी दोपहर के हो रहे हैं, 12 o'clock हो चुका है, मैं ना गेट से एंट्री करती हूँ और आपका व्यू दिखाते हैं। एक सेकेंड, गाड़ी यहाँ से नीचे हमें ड्रॉप करके चली गई थी, यहाँ से आपको वॉक करके आना है, ये रास्ते से वॉक करके आएंगे, एंड यहाँ पे एक और है इस साइड में, और हमारा ये वाला है, सो लेट्स एंटर। यहाँ से एंट्री करेंगे हम, एंड ये रहा, दिस इज द रिसेप्शन एरिया, ब्यूटीफुली डिजाइन्ड, और यहाँ पे किचन है, आपको वो बना के दे देंगे जैसे जैसे आपको खाना चाहिए।
इंटीरियर्स बहुत प्यारा है, यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट करा था। शेरू, शेरू को मैंने एक बार भी टच नहीं किया। टच नहीं किया था? चुनु चुनु चुनु। अली 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 भाग गया। चलो फटाफट से आते हैं, मैं रूम दिखा के। और ये देखो व्यू यहाँ से शुरू, यहाँ से एंट्री है। होने के बाद आप आएंगे। सो यहाँ पे ड्यूप्लेक्स कॉटेजेस है सारे लाइन में, ऊपर तीन है, इसके नीचे भी है। तो दिस इज आवर स्पेस। यहाँ से बाहर आएंगे और ये व्यू होगा सुबह। अभी तो दोपहर का टाइम है और सारे लाइन में ऐसे कॉटेजेस हैं, तीन हैं इस फ्लोर पे। तो ऊपर वाला पोर्शन मैं नीचे का पोर्शन भी दिखा देती हूँ एक बार। आप नीचे से हम उतरेंगे तो हम तीन फैमिलीज आए हैं, तो हम दोनों एक जगह एक कमरे में हैं। जो सिंगल कॉटेजेस हैं वो नीचे हैं, एंड वो भी थोड़ा देख लेते हैं। और मजा आ रहा है। कौन सा है रूम? थोड़ा सा रूम टूर ये वाला करा लेती हूँ मैं। सिंगल रूम है, यहाँ से एंट्री है और ये किसी और का है, आई एम जस्ट कवरिंग। सो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है कि ये बंक बेड नहीं है यहाँ पे, एंड आपको ये टेबल चेयर ये आपको ये भी मिल जाएगा, बेड ऑब्वियसली, एंड टीवी है, फैन है, एंड ये वॉशरूम है। सिमिलर टू व्हाट इज देयर, हमारा वॉशरूम बहुत नीट एंड टाइडी है, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है इनका। एंड सो ये है सिंगल, यहाँ से भी व्यू बहुत बढ़िया है। बस बाहर जाए, क्या हुआ अलग अलग है ना, अलग अलग में अलग अलग हुआ है। थोड़ा सा वाईफाई और इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बहुत पुअर कनेक्टिविटी, बट इट्स ओके। आप रिलैक्स करने आ रहे हैं अवे फ्रॉम लॉक, नहीं वो है प्रदीप तो भैया रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी जो रेट्स हैं ये पर पर्सन वाइज है। खाना आपको बिल्कुल कस्टमाइज, मतलब लंच में जो आपका जो प्राइसिंग है दैट इज पर पर्सन वाइज है। आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंक्लूडेड है, मतलब कल का ब्रेकफास्ट है, अभी का आज का लंच और डिनर, और आपको वो जिस हिसाब से वो आपको बना देंगे किचन में। उनका मेन्यू डेफिनेटली है, आप चाहो तो थोड़ा बहुत तो बोल सकते, ये मतलब आप उनको बता सकते हो आपको क्या खाना है कैसे खाना है। एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग आएंगे तो आप कॉन्टैक्ट करके बुकिंग कर सकते हैं। नॉट दैट फार फ्रॉम नैनीताल, बहुत पास में है, थोड़ा ऑफबीट है, बहुत शांति है। सो आई थिंक अभी मेरे फ़ोन की बैटरी भी थोड़ा जा रहा है, तो फ़ोन चार्जिंग पे लगाती हूँ। रूम टूर दे दिया मैंने, फोटोग्राफ्स क्लिक कर लिए हैं, और चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं लंच पे। तो अभी हमारा लंच रेडी हो गया, ये भैया ही लेके आए हैं। इसका नाम, ये कितने दिन का है? ये अभी तो बहुत ही छोटा है। अच्छा, इसके दांत तो अभी आए, दांत अभी 30 दिन का होगा। चलो लंच रेडी है, लंच खाएंगे, अभी लंच खाएंगे। लंच रेडी है, अभी हम खाएंगे लंच। फटाफट से दिखाती हूँ क्या क्या है लंच में। तो पहला डिश आ चुका है लंच में, ये मेनू में था, ये चिकन है। ओहो, आज के लेग पीस का है? हाँ कुछ भी दे दो खा लेंगे। लेग पीस है, देसी है क्या चिकन? नहीं लग रहा है, देसी लग रहा है लेग पीस चिकन। बनाया बहुत अच्छा है, कस्टमाइज यहाँ पे बन रहे हैं, आज हम लोग ही है यहाँ पे। हम ले लेंगे दोनों छोटा भी दो। दाल इसमें दे दो आपको। खाने में है राइस, रोटी, दाल मैंने ले लिया है, सैलड, चिकन, पनीर है ना। हाउ इज द टेस्ट? अच्छा। चलो शुरू करो। तो हमने खाना वाना कर लंच करके हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था थोड़ा सा, और फिर उठ के अब ये देख रहे हैं, इतना अमेजिंग व्यू है। 6:00 हो रहा है शाम के, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स, वाओ।
कि अक्षय कहाँ से चल के आ रहे घूमते घामते। तो अभी शाम के बज रहे 6:50 और लाइट्स ऑन हो चुकी है एंड सनसेट भी हो चुका है और हम आए चाय पीने के लिए। आ जाओ। अभी पत्थर से नहीं खेलना, ठीक है? चल अंदर जाएंगे अभी हम, ना वो करेंगे, चाय पीएंगे। तो अभी कर रहे हैं हम लोग वेट। किस चीज का वेट कर रहे हैं? स्नैक्स का, हाइटी का वेट कर रहे हैं। कैसा है पकोड़ा? वाव वाव, कैसा लगा पकोड़ा? हमारा पकोड़ा आ गया है। আমরা পকোড়া খাচ্ছি আর পকোড়াটা দারুণ দারুণ, তার সাথে গরম গরম চা চা। বনফায়ার লাগ গয়া হে, বাহার হি বেঠেঙ্গে হম লোগ থোড়ি দের, জব তক ডিনার বিনার বনেগা। লেটস সি, ওয়াও फिलहाल तो हम ही हैं ऐसे पूरे रिसोर्ट में। वाओ, दिस व्यू इज आई मीन एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन इन द पिक्चर्स और जस्ट एग्जैक्टली वैसे ही है यार। ये देखो शाम का व्यू है।